जाता रोको जाए पिया ठीक से तुम। कोई दिन खाना खाते कोई दिन नहीं खाते भूखे सो जाते। रे गरीबी इका तुझे ना करा। हिम्मत नहीं हारेंगे, मेहनत हम करते रहेंगे, कभी ना कभी हम आगे जाएंगे। मैं होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़। हाँ कई दिन भूखे सो गए, इतने चार पांच दिन से तबीयत खराब, पैसा की वजह से दम थी। मैं होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देना। जाता रहता जाए पिया ठीक से कमाई हा, कौनो समझ से नजर ना लगाई हा। इसी गाने पर हमारे सामने जो लड़की है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। अगर जुनून दिल से रहता है तो मंजिल कदम चुमती है, मंजिल घीची पास में चली आती है। वीडियो में इस लड़की का जुनून आप लोग देखे होंगे, आंखों में आंसू लिए। गाने पर जो एक्शन कर रही है, लिपसिंग कर रही है, इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। ये उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला है। बाराबंकी में एक छोटे से गांव की ये रहने वाली लड़की गरीब घर की है और जो मोबाइल ली है वो भी जमीन बांधे रख कर ली है। उसके बाद सोशल मीडिया पर आई तो सोशल मीडिया पर इस समय धमाल मचा कर रख दी है। क्या नाम है बाबू? रंजीता कुमारी। रंजीता कुमारी, हाँ। कौन सिखाया है सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो बनाने के लिए? हम पहले नहीं रोके, हम वीडियो इसलिए बनाते क्योंकि हम इतने गरीब हैं और सोच रहे हैं कि हमारी बहन का कैसे शादी होगा, हम लोग कैसे सब खाना खाते हैं कैसे नहीं खाते, कई दिन हम लोग भूखे सो जाते हैं। हाँ, इतने गरीब हैं, जो एक बीघा खेत था वो भी गिरो रख के मोबाइल खरीदे 10,000 का। पापा कहाँ? पापा एक बार काम करने गए थे लकड़ी काटने, तो पापा के पेट की जो हड्डी है ना वो टूट गया और हाथ भी टूट गया, तब से पापा कोई काम नहीं कर पाते हैं। और पापा का इलाज हुआ, पापा एक महीना तो पापा का इलाज नहीं हुआ है, तो जो मम्मी का जेवर पायल और सब बुंदा उंदा नहीं है वो सब बेच के पापा का इलाज हुआ है, हमारी मम्मी पायल कुछ नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं अगर मंजिल पाने में जो जुनून रहता है वो अगर सामने आ जाता है, जो परिस्थिति रहता है सामने आ जाता है तो सामने झलकने लगता है, मंजिल भी घींची चली आती है। यहाँ पर इस लड़की की मेहनत देख सकते हैं, जब वीडियो बनाती है तो आंखों से आंसू ओरिजिनल बहता है, जो अंदर का दर्द है, दिल का दर्द है, घर का दर्द है, इसके वीडियो में झलकता है। इसीलिए वीडियो नेचुरली लगता है और इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। कई दिन भूखे भी सो गई हो? हाँ कई दिन भूखे सो गए, इतने चार पांच दिन से तबीयत खराब, पैसा की वजह से दम नहीं ला पा रहे। चलिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर पेटीएम नंबर दिया गया है, अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो इस लड़की का कर सकते हैं। वैसे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है, अब देखते हैं सोशल मीडिया से इसको क्या सुविधा मिलता है। ये कौन सिखाया कि मोबाइल पर इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने से चलता है, लोग देखते हैं? नहीं पहले ऐसे पता, हम इंस्टाग्राम पहले लोड किए हैं तो हम उसको चला रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता था, मतलब छोटा फोन था 5,000 का, उस पर तो हम एक बार वीडियो छोड़े तो उस पर एक लाइक आया, तो हम मतलब बहुत खुश हो गए थे। एक लाइक? हाँ, तो हम बोले इस समय तो लाखों आ रहा है, खुशी का आंसू है गरीब की वजह से। गरीबी की वजह से। अरे गरीबी जब मेहनत करोगी इस समय तो झलक रहा है, गरीबी है लेकिन अब गरीबी दूर होगा तुम्हारा, सोशल मीडिया पर तुम वायरल हो गई हो, इस समय कोई ना कोई तुम्हें ले लेगा, बुला लेगा, और मीडिया वाले भी आ रहे हैं। अभी कोई दिन खाना खाते कोई दिन नहीं खाते भूखे सो जाते हैं। क्या चाहती हो लोगों से? हम लोगों से चाहते हैं कि आप लोग इतना हमको साथ दो, इतना हिम्मत दो कि हम इतना रोए कि हम ना रोए, कितना सपोर्ट करो कि अपना हम घर, जो हमारा घर है ना ये हमारा खुद का जमीन नहीं है, दूसरे का है, दूसरे का है, कबो पीछे कबो दूसरे का है। हाँ। हमारा खुद का जमीन नहीं है। किसका जमीन है हमें नहीं पता है। भाई नहीं है तुम्हारे? मेरे दो भाई हैं, देख 3 साल का, 1 7 साल का, 6 बहन। हमारे खुद के बहन की शादी हुई बिहार से, मतलब मौसी ने किया, खुद की बहन की शादी हुई, हम लोग मौसी लोग तो जानते इतने गरीब शादी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मौसी ने कर दिया, और इतना गरीब मतलब इतनी यही वजह से हम लोग, मेरे मम्मी लोग शादी में नहीं जा पाए तो 1,000 रुपये हम लोग उधार लिए, तो हम लोग गए दीदी के यहाँ शादी में, कोई नहीं गया, पापा गए, हम गए, हमारी बहन बस, मम्मी लोग नहीं जा पाए। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा तो हम ना जाने हम बहुत आगे जा सकते हैं और जो मम्मी पापा का सपना हम पूरा कर सके। गांव वाले कुछ बोलते हैं वायरल इस समय हो गई हो? गांव वाले सब मम्मी बहुत उल्टा सीधा बहुत बोलते। गांव वाले मतलब हमारे सामने नहीं बोलते हैं, मतलब मन में क्या सोचते तो वही जाने, हम नहीं जान सकते फिर। तो क्या तुम क्या करना चाहती हो अगर गाँव वाले उल्टा बोलते हैं तो मन में क्या आता है?
हम जैसे बड़े हैं मुझसे मेरे बारे में कुछ भी बोले हम उसको बात को बुरा नहीं मानते हैं। हमसे बड़े हैं कुछ भी कहें, कोई कुछ बोलता है तो पापा को कोई कुछ कहेगा तो पापा आके हमको मतलब डांटते हैं कि वीडियो नहीं बनाने देते, जैसे मोबाइल लेके चले जाएंगे तो फिर आएंगे तो वैसे हम मोबाइल लेके चुप्पे से वीडियो बना के छोड़ देंगे, फिर मोबाइल उसी जगह रख देते हैं। देखो मंजिल पाना है ना तो किसी का बात नहीं सुनना चाहिए, बात सुनोगी तो उलझन पैदा होगा, दिमाग में टेंशन होगा, वीडियो नहीं बना पाओगे। तो किसी का गांव वाले क्या बोल रहे हैं उससे क्या मतलब, तुम्हें तो इस समय पूरा देश पसंद कर रहा है, पूरा देश के लोग पसंद कर रहे हैं, किसी दिन तुम्हें कोई ना कोई यहां से उठा कर लेकर चला जाएगा, अच्छा खासा काम देगा, पैसा कमाने लगोगी, माता पिता के लिए घर बनाओगी, ऐसा सुनने के लिए मिलता है, खुशी का आंसू है ना, खुश हो हाँ, खुश भी है दुख भी है। दुख किस बात का है? ऐसे हम लोग रोज पता है हम लोग खाना खाए नहीं थे, चटनी रोटी कल खाए थे हाँ, कुछ नहीं था, आलू मम्मी गई थी किसी घर था नहीं, नहीं था। चलो मेहनत करना पड़ेगा ना गरीबी हटाने के लिए, गरीबी तो ऐसे हटेगी नहीं। मान लो मैं तुम्हें 500 रुपया दे दूंगा, 1000 रुपया दे दूंगा, कितना दिन खाओगी? तो खुद लड़ना ना पड़ेगा। हाँ, वो तो है, मगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे, मेहनत हम करते रहेंगे, कभी ना कभी हम आगे जाएंगे। अच्छा ये इतना एक्सीलेंट वीडियो में नेचुरली कैसे दिखाई देता है, वीडियो में जो बनाती हो लगता है कि तुम ही लिपसिंग जो करती हो गाने के साथ करती हो, लगता है कि ओरिजिनल है, आंसू भी है साथ। जो लंदन वाला गाना है ना, तो मतलब उस समय ना मेरे घर में कुछ खाने का नहीं था ना, कसम से भैया ना, मतलब आटा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वही हम सोच के रो रहे थे, उसमें हम फोन फोड़ने वाले थे, हम गुस्सा, हमका वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है ये, वो हम बहुत सोचे, फिर जब हम गुस्से में ऐसे से चला रहे थे वैसे वो गाना आ गया, खूब रो रहे थे उस समय, तो वैसे हम मतलब उस पर वीडियो बना के छोड़ दिए, तो आधे घंटे में अच्छा खासा लाइक आ गया 4-5 हज़ार, और फिर 1-2 घंटे में मिलियन में चला गया। हाँ तो मतलब एक मन उस समय क्या हुआ जब मिलियन? बहुत खुश हुए थे, बहुत खुश हुए थे, रोना भी बहुत आ रहा था, मतलब जो इतना ताना सुने हैं सब, मतलब उस समय लगा कि भगवान मुझे गरीब क्यों बनाया, वीडियो में अपना पूरा ताकत लगा दी, वो गरीबी दिखा दी, आंख में आंसू आने लगे गरीबी के चलते कि मेरे भाई मुझे मेरे माँ को इस समय खाने के लिए पैसा नहीं है। वैसे मंजिल पाने की चाह दिल से होती है तो गरीबी भी आड़े नहीं आता है, गरीबी भी छिपकर भाग जाता है। पता है भैया मेरे घर में नल नहीं था, एक साल से हम लोग दूसरे घर से उधर कहीं कहीं से दूर दूर से पानी हम लोग लाते थे, एक साल से ऐसे ही चलता गया। फिर एक दिन हम पापा से खूब रो के कहे पापा नल लगवाओ, पापा नल लगवाओ, पापा कहीं पैसे नहीं। चलो चलो बाबू सब ठीक हो जाएगा, इस समय काफी ज्यादा वायरल है, वैसे सोशल मीडिया पर आप भी देखते होंगे तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है पेटीएम फोन पे जो भी हो अकाउंट नंबर, उसमें इस लड़की का मदद करना जरूर कीजिए कि इसका जो गरीबी है कुछ मिट सके। तो वही पापा से हम बोले कि नल लगो, खूब रो रो के बोले पापा, भी रोने लगे हम करा, फिर पापा वही दिन गए मतलब नल वाले से बात करें, पैसा नहीं रहा, उधार लेन 5-10 हज़ार का नल लगा, मतलब 5 हज़ार का ही उधार लेन, तो देखे आए तो नल लगा ही नहीं वहाँ पर, और मतलब कि 5 हज़ार बाकी है, यही सोच रहे हम लोग खाएं कि पैसा उनका दें अगले महीने 11 तारीख का नल वाले। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह दबंग 24 से धन्यवाद।